रियाज अंसारी फिर चुने गए नवाबगंज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तहसील अध्यक्ष, सज्जाद साहिद सचिव समिति उपाध्यक्ष और रियाजुद्दीन खोसा अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष चुने गए रियाज के विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नवाबगंज नगर के सरताज मैरिज हॉल में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष शहजाद अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूनियन के तहसील अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी ने बैठक शुरू होते ही अपने पद से त्याग पत्र देकर और तहसील कमेटी को भंग करने की घोषणा करी, तो बैठक में सन्नाटा पसर गया, जिसके बाद यूनियन के जिला अध्यक्ष शहजाद अली के नए सिरे से तहसील संघ का गठन करने की योजना घोषणा करी गई। ज़्यादातर पत्रकार रियाज अंसारी को दोबारा से अध्यक्ष बनाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन रियाज अंसारी इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो जिला अध्यक्ष शाहिद अली ने गुप्त मतदान के जरिए तहसील अध्यक्ष का चुनाव करने का निर्देश दिया। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए उपस्थित 30 पत्रकारों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए एक मत से दोबारा से रियाज अंसारी को तहसील अध्यक्ष बनाए जाने की सहमति दी। बता दें कि रियाज अंसारी के विरोध में कोई भी मत ना पड़ने से जिला अध्यक्ष शहजाद अली ने रियाज अंसारी को दोबारा से नवाबगंज तहसील संघ का यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो बनाया, जिससे कि पत्रकारों में तो खुशी है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर सहमति दी गई उसके बाद रियाज अंसारी के विरोध में कोई मत नहीं पड़ा और शहजाद अली ने रियाज अंसारी को दोबारा से देखी किस तरीके से यहाँ पर जो है सभी पत्रकार जो है वो बैठे हुए हैं और किस तरीके से जो वोटिंग है वही दी गई। इसके बाद सज्जाद सैयद को सचिव, सुमित कश्यप को उपाध्यक्ष और रियाजुद्दीन को कोषा अध्यक्ष और शाहिद अली हसीन दानिश नजीम जेदी को संयुक्त सचिव व हरिओम गंगवार को मीडिया प्रभारी चुना गया। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश उपाध्यक्ष उर्फ बब्बू महाराज, गिरधारी लाल गंगवार और प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ अंसारी को यूनियन का संरक्षक चुना गया। जिला अध्यक्ष शहजाद अली ने नवाबगंज तहसील के वरिष्ठ पत्रकार अनूप गुप्ता और मुख्तार अंसारी को जिला कार्यकारिणी में स्थान दिए जाने की घोषणा करी। यहाँ पर और भी आपको नाम जो है वो हम बताते हैं कि किन किन नामों पर यहाँ पर सहमति जताएगी और किनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष अली सचिव और शकील अंजुम कोषाध्यक्ष संतोष कुमार के साथ नवाबगंज तहसील के 30 पत्रकारों को बैठक में मौजूद थे। इसके साथ ही आधा दर्जन के करीब पत्रकार किन्हीं कारणों से बैठक में मौजूद नहीं रह सके, लेकिन यहाँ पर जो भी पत्रकार पहुँचे उन्होंने अपनी सहमति दी दिखाई और उसके बाद यहाँ देखिए किस तरीके से जो नया अध्यक्ष है वो चुना गया। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं अखलाक अंसारी की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। सबसे पहले मैं आज मीटिंग है, मैं चाहूँगा आप देखिए अगर इतना घंटा एक्स्ट्रा हो जाए तो आज दे देंगे लोगों के लिए, क्योंकि पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी हमारा गठन हुआ, लेकिन हम कागजी रूप से सही माने में हम संगठन को अपने आप को या मैं कहूँ मुझे अध्यक्ष बनाया गया, हम उसको नहीं चला पाए। वजह राजनीतिक, हम थोड़ा राजनीति में जुड़े हैं, विधानसभा का चुनाव आया,
उसमें कहीं ना कहीं हमें लगना पड़ा और थोड़ी सी और कामों में थोड़ा से लगा होने के चलते। लेकिन इस सब के बीच अगर किसी पत्रकार साथी की कहीं ज़रूरत पड़ी, मैं समझता हूँ हर जगह मैं मौजूद रहा। हमारे बीच हमारे नन्हे भाई हैं, नन्हे भाई का जब प्रधानी आप एक वोट से हार रहे थे गांव से, हमें लगा कि हमारे बीच का प्रधान जीतना चाहिए, तो हमें जितनी मदद कर सकते कहते हैं हमें कि रिकॉन्टिन्यू हमने एप्लीकेशन लिखवाई वहाँ अधिकारियों से बात की, लेकिन अलग बात की वो क्या हुआ, हम जितना सहयोग कर सकते पूरा प्रयास किया। और ये बात सही है कि संगठन को जिस ढंग से चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया। मैं आज अध्यक्ष से माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि आज फिर से हमारा नया संगठन का गठन होना चाहिए। वो जब संगठन बना था हमारा प्रयास ये था कि नवाबगंज में कैसे हमारा एक ये परिवार बने जिससे कि हम कैसे जुड़ सकें, और यही बात थी कि जब हमारा संगठन बना तो एक नवाबगंज के कुछ और पत्रकार साथियों ने एक दूसरा संगठन भी बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने हमारे जैसे हम चलते हैं, और मैं एक चीज़ और जो मैंने पहले भी शायद कही आप लोगों से, हम लोगों ने ये प्रयास किया कि अगर पत्रकार के ऊपर कहीं कोई बात आई हो, वो हमारे संगठन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, पत्रकार हो, अध्यक्ष हमने हर कदम पर उनकी मदद की है और प्रयास किया है कि मदद हो। लेकिन मीटिंग है, सुमित साहेब हमारे अनुभव भाई प्रयास जितने भी लोग हैं सारे खुले मन से जिसके मन में जो बात है, मेरी जहाँ गलतियाँ हैं बिल्कुल कहें, मैंने कहीं गलत किया है मुझे एहसास कराएं। अगर परिवार जी का नाम हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम बहुत सारे प्रयास भाई जानना चाहेंगे कि जैसे पहले भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, पुनः आज फिर से आपकी चुनाव हुए हैं, तो पत्रकारों के भविष्य के लिए आपकी क्या उपलब्धियाँ रहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष और जिले की जो कमेटी हैं आई है सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना समय निकाल के हमारे पत्रकार साथियों के बीच आए। जिला अध्यक्ष जी शहजाद अली साहब, शकील अंजुम साहब, संतोष जी, मैं आज जो बैठक थी तो मैं चूंकि पहले अध्यक्ष था श्रमजीवी यूनियन का, लेकिन मैंने और मेरी पूरी कमेटी आज मैंने जो भंग करने की घोषणा की उसके पीछे रीजन था कि हम लोगों में कहीं हमारे पत्रकार साथी को ऐसा ना लगे कि ये संगठन किसी एक की बपौती है। लेकिन उसके बाद जो आज फिर से चुनाव हुआ, सर्वसम्मति से कहना चाहिए, वो तो सर्वसम्मति से ही फैसला हो गया, एक चुनाव हुआ और आज जो 30 के 30 पत्रकार हमारे साथी यहाँ मौजूद थे और 30 के 30 साथियों ने मुझे इस लायक समझा, मैं सारे पत्रकारियों का, जितने पत्रकार साथी हैं अपने नवाबगंज तहसील के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ जो कमेटी चुनी गई है मैं उसे भी बधाई देना चाहता हूँ, कुछ नए साथी भी कमेटी में जुड़े हैं। बस इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भी जिले से दिशा निर्देश मिलेंगे, प्रदेश से मिलेंगे संगठन की ओर से, मैं उस अनुसार काम करूंगा और नवाबगंज के पत्रकारों की पहले की तरह अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। और सारे पत्रकार साथी यहाँ आए, एक बार बहुत 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 दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं अपनी बात को बस ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, जी परवेज भाई, रियाज भाई के साथ जो हुआ मैं उसकी कई बार निंदा कर चुका हूँ और आज फिर मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने कार्रवाई की उन पर FIR लिखी गई है कानूनी, और कानून अपना काम कर रहा है, कानून ऐसे लोगों को सजा देगा और हम लोग कानून को मानते हैं। जब पत्रकार हैं हम लोग अध्यक्ष जी, अगर हम ही लोग अगर कानून को नहीं मानेंगे तो आम जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या मानेंगे। तो हमें कानून में पूरा भरोसा है और जिन लोगों ने ये किरत किया था हमारे रियाज भाई के साथ उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हम लोग करा चुके हैं। जी झूठा मुकदमा लिखा गया है, उसके लिए हम लोग लगातार हम CO साहब से बात कर चुके हैं, SDM साहब से किए, इंस्पेक्टर साहब, सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं, और अब अगर वो मुकदमा ख़त्म नहीं होता है तो हम जिला अध्यक्ष जी से मिलकर जिले के अधिकारियों से अतिशीघ्र मिलेंगे।
सवाल तो करो। संघ की जो है बैठक हुई है, इसमें किसे जिलाते चुना गया और तहसीलदार से चुना गया है? देखिए, आज चिरंजीवी पत्रकार यूनियन की जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसमें जो रियाज भाई हैं उनको क्या नाम है जिला यहाँ का अध्यक्ष चुना गया है, और मेरी उनकी शुभकामनाएं मेरी रहेंगी उनके साथ कि उन्हें सब लोगों ने एक साथ मिलके चुना है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रियाज भाई। और जो यहाँ की टीम है उसको भी पूरी शुभकामनाएँ, जो सचिव चुने गए हैं, जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उनको पूरी मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी चिरंजीवी पत्रकार यूनियन और रियाज भाई ने काम किया है, आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके का काम करें, और जो पत्रकार जो बंधु हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो आग पुलिस के द्वारा कई तरीके के अत्याचार पत्रकारों पर किए जा रहे हैं, उन सबको लेके एक साथ मिलके हम लोग काम करेंगे और किसी भी पत्रकार के खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे। ये संगठन एक मजबूत करने का मेन मकसद यही है कि यहाँ पर जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसे दूर किया जाए और किसी के दबाव में काम ना किया जाए। किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर होता है तो रियाज भाई हर टाइम उपस्थित हैं, और एक युवा तेज तर्रार पत्रकार और हमने इसलिए अध्यक्ष चुना है कि आप सब लोगों को एक साथ मिलके लेके चलें। और जैसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक भाई के अभी हाथ में चोट देखी, तो मेरा मानना यह है कि हम पत्रकार एक परिवार है, तो जैसे भी चोट लगती है या होती है तो उनकी कोई ना कोई सहयोग किया जाए, जिससे कि भाई पत्रकार मिलके उसका सहयोग करें। जैसे अभी रियाज भाई ने एक बताया था कि मुंबई में कोई पत्रकार हैं अमन नाम के, शायद वो एडमिट हैं, तो उन लोगों को भी कोई आर्थिक सहायता या कोई ऐसी चीज़ करी जाए जिससे कि उनको हेल्प हो। तो हमारा मकसद ये है कि मेन पत्रकारों को एक साथ जोड़ना और उसके दुख दर्द में साथ रहना, तो शामिल रहें। और जो भी है आगे मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि एक साथ मिलके काम करिए, जिससे कि आगे कोई भी नवाबगंज क्षेत्र में कोई पत्रकारों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, जिससे कि कोई दिक्कत हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि रियाज भाई से मैं बराबर कहा भी है कि आप लोग अपनी जो आईडीज़ हैं जो वो हैं वो हमें दिए, जैसे कि मान लीजिए किसी साथ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए हमने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक की उसकी इंश्योरेंस बीमा कराएंगे, तो वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। जल्द से जल्द आप जो यहाँ पर कमेटी गठित हुई है जो